राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दक्षिण खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लाए हैं आपके लिए आम का अचार, जो बहुत टेस्टी होता है। गर्मियों में अगर सब्जियाँ अच्छी नहीं होती, बच्चों को पसंद नहीं आती हैं, तो आम के अचार के साथ आप बच्चों का टेस्ट बना सकते हो। और चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है अचार, तो आप इसको इस तरह से बनाएं और खाएं। आम का अचार के लिए हमने 5 किलो आम लिए, जिसको हमने रात में नमक और हल्दी लगा के रख दिया था। और उसके बाद सुबह हमने इसको अच्छे से 4-5 घंटे की धूप दिखाई, तेज धूप, और उसके बाद हमारे सूख के तैयार हो गया अचार डालने के लिए। तो आम के अचार के लिए हमने क्या क्या मसाले लिए हैं वो आपको शेयर करेंगे। ये हमने 1 बड़ी चम्मच राई ली है, 2 बड़ी चम्मच नमक है क्योंकि नमक हमने आम में डाल दिया था, 3 चम्मच मिर्च ली है, हींग, ये कुछ हमने साबुत लाल मिर्च ली है जिससे अच्छा तीखापन आएगा आम में, अजवाइन, मेथी, सौंफ, जीरा, राई, और ये हमारा आरसीएम का राइस ब्रांड ऑयल। इसका अचार आप खाओगे बहुत टेस्टी लगेगा। अचार के लिए हमने ये 100 ग्राम सौंफ लिए, दो बड़ी चम्मच मेथी ली है और 50 ग्राम अजवाइन ली है, ये 2 चम्मच जीरा लिया है, और ये हमारी राई है। आप सरसों भी डाल सकते हो और नहीं है तो स्किप कर सकते हो, अगर है तो आप दोनों चीज भी डाल सकते हो थोड़ी थोड़ी। ये हमारी साबुत लाल मिर्च है, गैस को ऑन कर देंगे और इनको हल्का सा गर्म करेंगे, सिर्फ भूनेंगे नहीं, जो ये आराम से पिस जाए, हल्का गर्म कर निकाल लेंगे इसको। हल्का गर्म हो गया मसाला, इसको गैस को बंद कर देंगे। हमें सिर्फ इतना गर्म करना है कि इसको हम अपने हाथ से टच कर सके, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। मसाले को हमने अच्छे से बारीक कर लिया है, ये देखो, और इसमें निकाल लेंगे इसमें। हमने अचार के लिए 6 किलो आम ही लिए, इसके लिए हमने मसाला तैयार किया है। इसमें हम हींग डालेंगे, सॉरी मंगरेल, नमक हमने कम ही लिया है क्योंकि हमने पहले डाल दिया उसमें हल्दी और नमक, 2 चम्मच लिया नमक हमने, और ये 3 चम्मच हमने लाल मिर्च लिए क्योंकि हम थोड़ा तीखा ही खाते हैं, तीखा पसंद है हमें। इसको अच्छे से मिला लेंगे, तो इसमें अभी हम 1 पाव के करीब हल्दी डालेंगे, धूप दिखाने के बाद इसे हम अचार को डिप कर देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिला लेंगे, अगर आप कच्ची खानी यूज करते हो तो उसको हमें थोड़ा गर्म करके ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद हम अचार में डाल सकते हैं, लंबे समय तक अचार चलता है हमारा। अगर आप राइस ब्रांड ऑयल करोगे इस्तेमाल तो इसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम कच्चा भी डाल सकते हैं क्योंकि लाइट होता है, बिल्कुल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम आसानी से पचा लेते हैं। मसाले हमारे मिल चुके हैं, तो करते हैं हम इसमें अपनी आमी ऐड। जो हमने आमी ली के सुखाई थी धूप में, इसमें जो हमारी थोड़ी गीली थी, जो हमें लग रही थी कि नमी है अभी, तो उनको हमने निकाल कर अलग कर लिया है क्योंकि इससे अचार खराब होने का खतरा रहता है, तो इनको हम वैसे ही बना लेंगे सब्जी की तरह। और इनको हम करते हैं मसाले में ऐड, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चम्मच से नहीं कर पा रहे तो हाथ से कर लेते हैं क्योंकि अचार हमारा अच्छे से लिपटना चाहिए इनमें, नहीं तो अचार फिर टेस्टी नहीं लगेगा।
तरह से। ये बाकी आम इसी में डाल लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके डिब्बे में रख देंगे और इसको 4-5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा धूप दिखाएंगे, तेज धूप में रखेंगे इसको हम। उसके बाद हमारा अचार तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम थोड़ा अपना हेल्थ कार्ड डाल देंगे कि जो हमारी आम डिप हो जाए, और कांच के जार में इसको हम सेव करके रख देंगे लंबे समय तक हमारा अचार चले। हमारा मिक्स हो गया अचार और इसको हम करते हैं डिब्बे में। तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हो, मेरे पास सिरका नहीं है, मैं इसमें बाद में डालूंगी सिरका फिलहाल। तो इसको हम धूप दिखाने के बाद सिरका डालेंगे। उसको इसको ना पकाने का काम करता है वो सिरका, जल्दी गला देता है बस, बाकी खट्टा तो होता ही आम। तो आप इसको बनाएं और हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम दोस्तों।